हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो शायद आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं $1,000 इनटू $10,000 इन क्रिप्टो। कैसे हम अपना $1,000 $10,000 में कन्वर्ट कर पाएंगे, आज इसके बारे में मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। काफ़ी लोग क्रिप्टो के अंदर नए हैं और काफ़ी लोगों के पास क्रिप्टो के अंदर फंड की कमी है और वो सब सपना देखते हैं कि काश मेरा फंड हो जाए 5x 10x और कुछ ऐसा हेल्प मिल जाए जिसके थ्रू मैं ये फंड को 10 गुना कर पाऊं। तो फ्रेंड, आज ये वीडियो आप लोगों के लिए है, बिकॉज जो बातें आज आपको मैं समझाने वाला हूं, अगर आपने उसको सही से फॉलो कर लिया तो 10 गुना या उससे भी ज़्यादा हम अपने क्रिप्टो फंड्स को कर सकते हैं। जस्ट आपको रखनी होगी थोड़ी पेशेंस और बात को, वीडियो को थोड़ा सा अच्छे से समझना होगा और आपको रिजल्ट कुछ ही टाइम के बाद अपने पोर्टफोलियो के अंदर खुद ब खुद दिखाई देगा। तो फ्रेंड, मेरा नाम है सुमित कपूर और आप देख रहे हैं आपका ही चैनल वाइज एडवाइस। अगर आप आए हैं हमारे चैनल पे पहली बार, मेक श्योर चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, बिकॉज यहां मैं देता हूं ऐसी वीडियोज जो कि आप लोगों को अपना फाइनेंशियल स्टेटस इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करेगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और उन लोगों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा जो कि क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रही है या क्रिप्टो में बिलीव ही नहीं रखते और कहते हैं कि क्रिप्टो वर्क नहीं कर सकती, उनके साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करना, बिकॉज अगर उन्होंने ये स्ट्रेटजीज को अप्लाई कर लिया तो जो क्रिप्टो में बिलीव नहीं करते वो भी धीरे धीरे क्रिप्टो के अंदर बिलीव करने लगेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड सीधा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और जानते हैं कौन सी है वो बातें जिसको अगर हमने सही से फॉलो कर लिया आने वाले मंथ्स, वीक और ईयर्स के लिए, तो हम अपने $1,000 को $10,000 या उससे भी कई गुना ज्यादा होता हुआ देख पाएंगे। हाँ, तो फ्रेंड्स, अब मैं जो कुछ बातें आपको आज बताने वाला हूं उसको सीरियसली सुनिएगा, ट्राई करिएगा उसको अप्लाई करने का, बिकॉज मैं मानता हूं इसको सही तरीके से अगर किसी ने अप्लाई किया तो कोई नहीं रोक सकता उसको अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए। बट स्टिल आपको कहना चाहूँगा, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये स्ट्रैटेजीज को अगर आप अप्लाई करते हो तो पहले खुद सोचिएगा, समझिएगा, अच्छी लगे तभी अप्लाई करिएगा, बिकॉज एट द एंड प्रॉफिट एंड लॉस दोनों आपका ही है, उसका जिम्मेवारी मेरी नहीं है। मैं सिर्फ ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों को कुछ ऐसा बताने का जो कि आपको बहुत हेल्प कर पाए फाइनेंशियली अपना स्टेटस, अपना पोर्टफोलियो क्रिप्टो के अंदर चेंज करने के लिए। तो फ्रेंड, सीधा जानते हैं कौन सी है वो बातें, कौन सा है वो तरीका जिसके थ्रू हम ये सब कुछ कर सकते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं ऐड करना चाहूंगा वो है, आपको रखनी पड़ेगी पेशेंस, बिकॉज आपका पोर्टफोलियो है छोटा, आपको दूसरे लोगों से कंपैरिजन करना अपना बंद करना पड़ेगा। आपको अगर लगता है किसी और ने इतना प्रॉफिट कमा लिया है, मैं भी बहुत जल्दी उतना पैसा कमा लूं, तो वो नहीं हो सकता। उस व्यक्ति ने क्या किया है ये आपको नहीं पता वहां तक उस स्टेज के लिए पहुंचने के लिए। तो अगर आप कहते हैं कि मैं मार्केट से लोन उठा लूं और ज्यादा पैसा लगा के पैसा कमा लूं, तो आई विल से नो फॉर इट। मैं आपको कहूंगा, आपके पास अगर $1,000 है या उसके आसपास है या आपके पास ज्यादा फंड भी है और अगर आप उसको 10 गुना करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको रखनी होगी पेशेंस और आप लोगों को रखना होगा ध्यान कि हम अपनी पेशेंस को लूज ना कर दे और हमने जो सेट ऑफ रूल्स डिसाइड करे हैं उसको खुद ही आने वाले वक्त के अंदर फ्रस्ट्रेट होके ब्रेक ना कर दे। रूल नंबर टू, इस पूरे दौरान या आपके पास $1,000 है या ज्यादा है, आई डोंट नो, अगर मैं मानता हूं $1,000 ही है, इस पूरे दौरान $1,000 से हम एक भी फ्यूचर्स ट्रेड नहीं लेंगे, बिकॉज फ्यूचर्स ट्रेड के अंदर आपके पास फैक्टर आ जाता है लिक्विडेशन का, यानी कि आपका फंड वहां पे जीरो भी हो सकता है। लेकिन अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हो, यानी कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट को बाय करते हो, आप उसके शेयर्स लेते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप इजी दूसरी लैंग्वेज समझते हो, तो वो शेयर्स, वो टोकन्स आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर आपने अच्छे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया है, उसके टोकन्स आपके पास पड़े रहेंगे, चाहे उसकी वैल्यू कम ही क्यों ना हो जाए, लेकिन एट द एंड आप लिक्विडेट नहीं होगे, आप जीरो पर नहीं आओगे। हम बात करें अगर इथेरियम की, तो इथेरियम को लोगों ने $1,200-1,500 पे लिया था। हम बात करें अगर बिटकॉइन की, लोगों ने उसको $20,000 पे लिया था। 3 साल लग गए, लेकिन 3 साल के बाद वो अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया और आज ये दोनों करेंसीज 3x 5x के ऊपर बैठी है। तो अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करोगे तो ही आप सक्सेसफुल हो पाओगे इस स्ट्रेटजी के अंदर अपने वो स्मॉल फंड के साथ। अगर आप ग्रीडी हो गए और आपने फ्यूचर्स ट्रेड ओपन करा, तो आप ये समझ लेना कि आपका पोर्टफोलियो बहुत जल्दी जीरो पे आ जाएगा, बिकॉज
फ्यूचर्स ट्रेड जितना अच्छा दिखता है उतना ही रिस्की भी होता है। उसको सर तभी अप्लाई करना चाहिए जब आपके पास एक्स्ट्रा फंड हो और आपके पास काफी अच्छी नॉलेज आ चुकी हो। अब बात करेंगे मेजर थर्ड पॉइंट की कि हमारे पास है लिमिटेड फंड जो कि है $1,000 का। उस $1,000 से हम 10, 20, 25 क्वाइन नहीं लेंगे। हम चूज करेंगे सिर्फ 4 प्रोजेक्ट्स। हम चूज करेंगे सिर्फ 4 ऐसे क्वाइन जिनके ऊपर मैं आपको अभी कुछ लिमिटेशंस दूंगा। हम उन्हीं को चूज करेंगे और उन्हीं के अंदर अपने फंड को लगाएंगे। $250 मीन्स $250 इन ईच 4 ऑफ दोस प्रोजेक्ट्स। हम अपने फंड को डिवाइड कर देंगे, रेदर देन 10 प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के हम लगाएंगे 4 प्रोजेक्ट्स के अंदर पैसा। अब कौन से होंगे ये 4 प्रोजेक्ट, उसके बारे में अब हम बात करते हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट यानी कि हमारा सबसे पहला शेयर जो कि $250 का होगा, वो होगा वन ऑफ द सेफेस्ट प्रोजेक्ट्स के अंदर, यानी कि वो प्रोजेक्ट जो कि बहुत सेफ है, वो प्रोजेक्ट जिसके आने वाला फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट दिख रहा है और लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट खुद ही पे खुद ही आने वाले शायद 1 साल 2 साल 3 साल के बाद हम इसको यहां से 5 गुना 3 गुना 4 गुना सेफेस्ट साइड पे देख सकते हैं। वो होगा हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट, यानी कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, वो हो सकता है $250 हम लगाए बिटकॉइन के अंदर ही, वो हो सकता है $250 हम लगाए इथेरियम के अंदर, हो सकता है वो $250 लगे चेन लिंक के अंदर, डॉट के अंदर या बीएनबी के अंदर। ये होंगे मेरे 5 प्रेफरेंसेस इस कैटेगरी के अंदर, यानी कि पहला $250 मैं इन प्रोजेक्ट्स के अंदर लगा के छोड़ दूंगा बिकॉज मेरे को लग रहा है कि यहां से ये प्रोजेक्ट 5 गुना आने वाले 2-3 साल में तो दिखते ही है। तो अगर ये सेफेस्ट एंट्री आपको लगती है तो पहला सेट ऑफ मनी जो होगा $250 वो हम लगाएंगे इन प्रोजेक्ट्स के अंदर जो कि काफी हद तक सेफ है, उनका फ्यूचर काफी ब्राइट लग रहा है और उनका यूज केस बहुत ही बड़ा है। इसके बाद हम अगले $250 यानी कि वो जो $250 हमारे पास बचे $750, उन $750 में से $500 हम लगाएंगे 2 प्रोजेक्ट्स के अंदर। ये 2 प्रोजेक्ट्स वो प्रोजेक्ट होंगे जिनके पास होगी बहुत बड़ी कम्युनिटी, जिनके प्रोजेक्ट का होगा बहुत बड़ा यूज केस, वो प्रोजेक्ट अपने ऑल टाइम हाई से बहुत दूर होगा। ये बात को ध्यान से सुनो, वो प्रोजेक्ट अपने ऑल टाइम हाई से बहुत दूर होगा। उस प्रोजेक्ट के पीछे जो टीम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड लोगों की होगी। जस्ट लाइक अगर हम बात करते थे तो Polkadot का जो गेविन वुड है, अगर वो किसी टीम के अंदर है और वो प्रोजेक्ट अभी बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं हुआ और उसका फ्यूचर बहुत अच्छा लग रहा है, उसका यूज केस बहुत अच्छा लग रहा है, उसकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग लग रही है, देन दैट इज अवर प्रोजेक्ट। प्लस वो $500 में जो हम 2 प्रोजेक्ट चूज कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट बहुत हैवी मार्केट कैप वाले प्रोजेक्ट नहीं होने चाहिए। अब इसका बहुत सिंपल सा साधारण सा आपको एग्जांपल दिखाता हूं मैं। हमने थोड़ा टाइम पहले, आज से थोड़ा टाइम पहले हमने चूज किया वजीरेक्स को। वजीरेक्स को मैंने कहा मैं मानता हूं 5 से 10 गुना मैं देखता हूं इस साल के अंदर या आने वाले और ज्यादा टाइम के अंदर। हम बात करते थे वजीरेक्स की नियर अबाउट $0.07 पे, इस वक्त है 0.46 सेंट्स। हम बात कर रहे हैं इसका ऑल टाइम हाई है 0.58 सेंट्स इसका ऑल टाइम हाई है और इसके आसपास ही इसका ऑल टाइम हाई गया था पहले भी। हम बात कर रहे हैं हमने चूज किया प्रोजेक्ट 0.07 पे, प्रोजेक्ट अच्छा है, पीछे की टीम अच्छी है, बहुत बड़ा मार्केट कैप प्रोजेक्ट नहीं था और अभी भी कोई बहुत ज्यादा मार्केट कैप नहीं है, इसकी टीम पीछे सॉलिड है और प्रोजेक्ट का विजन, प्रोजेक्ट का यूज केस बहुत बड़ा है। तो ये हो गया हमारा कैटेगरी सॉल्व, यानी कि आ गया हमारा प्रोजेक्ट वजीरेक्स। लेकिन अब हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हमें वजीरेक्स चूज नहीं करना है इस लिस्ट के लिए, मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। इसी एग्जाम्पल के अंदर क्लियर सेट बैठता है SXP। SXP को भी हमने जब बात करी थी तो हमने 0.60-70-80 सेंट की बातें करी थी। आज चल रहा है $3 लगभग, गया था मेरे ख्याल $5 के आसपास और अभी गया था रिसेंटली $4+। तो मैं हमने चूज किया था इसको जब ये था $0.70 के आसपास, ये गया यहां से 5x 6x, ऑल टाइम हाई से दूर, टीम सुपर सॉलिड, यूज केस अमेजिंग और कम्युनिटी बहुत ही सॉलिड। तो अगेन क्राइटेरिया पे हो गया टिक मार्क। जब हो गया टिक मार्क तो SXP भी था हमारा उस लिस्ट के अंदर चूज करने वाला क्वाइन। सिमिलरली हम बात करें एवा ट्रैवला भी गया था अपने ऑल टाइम हाई के बहुत अच्छा पास। अगर हम बात करें इस वक्त ऑल टाइम हाई 5.11 लगा था जो कि कुछ दिन पहले लगा था, लेकिन इससे पहले भी इसका ऑल टाइम हाई काफी अच्छा था। हमने इसको चूज किया था सेंट्स के अंदर और इसके बाद ये भी बड़ा 5x, टीम बहुत सॉलिड, प्रोजेक्ट का विजन सुपर सॉलिड, प्रोजेक्ट की कम्युनिटी सुपर सॉलिड और प्रोजेक्ट
लो मार्केट कैप, मतलब कि कोई बहुत हाई मेजर कैप कॉइन नहीं था, तो ये था हमारा वो प्रोजेक्ट, ये हो सकते थे हमारे वो प्रोजेक्ट जो कि $500 हमें, $250 दो प्रोजेक्ट में लगाने थे। ये हमने चेक किया कि ये क्या हमारे क्राइटेरिया के अंदर मार्क हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर अब हम आप में से काफ़ी लोग मेरे को बोलेंगे कार्डेनो या और भी कॉइन XRP, ये सारे कॉइन्स को मैं इस लिस्ट में इसलिए नहीं रख रहा बिकॉज ये सुपर हाई मार्केट कैप कॉइन है। यहाँ से इनको 5 गुना होना, यानी कि अगर मैं कार्डेनो की बात करूँ 5 गुना अगर मैं इसको कर दूँ तो ये सीधा इथेरियम को भी पीछे छोड़ देगा। अगर आप इसकी मार्केट कैप देखेंगे तो नियरली 5 गुना पे इसकी मार्केट कैप इथेरियम को भी पीछे छोड़ देगी। क्या आपको ये फिजिबल लग रहा है फिलहाल के लिए? आई डोंट सी सो। तो मैं वो प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ जो कि अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी दूर है, वो प्रोजेक्ट जिनका विजन बहुत सॉलिड है, जिनका यूज केस बहुत सॉलिड है, जिनकी टीम बहुत स्ट्रांग है, जिनकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, वो हो सकते हैं वो प्रोजेक्ट, दो वो प्रोजेक्ट्स जिनके अंदर हम $250 लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने बात करी काफी बार और आपको बताया ओशियन प्रोजेक्ट सॉलिड, कोई बहुत मेजर कैप कॉइन नहीं है, कोई इसका इसका यूज केस बहुत जबरदस्त और बहुत बड़ा है, टीम पीछे सुपर सॉलिड है, कम्युनिटी सुपर सॉलिड है, तो इस सारे टिक मार्क के ऊपर बैठता है ये प्रोजेक्ट। हमने एंट्रीज ली थी इसकी 0.50 सेंट के आसपास, 1.36 अभी चल रहा है और 1.70 अभी कुछ दिन पहले ही लगा है और अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक भी कर चुका है। हमें क्या लगता है ये हमारी उस लिस्ट के अंदर हो सकता है? तो यस, अगर हमारे को लिस्ट चूज करनी है उसमें से एक क्राइटेरिया इसका भी हो सकता है। अब रह गए हैं हमारे पास रेस्ट रिमेनिंग $250। तीन प्रोजेक्ट हमने चूज कर लिए हैं, आपको समझ आ गया होगा अभी तक वो तीन प्रोजेक्ट कौन से चूज करने हैं। फोर्थ प्रोजेक्ट जो होगा वो होगा रिस्की प्रोजेक्ट, वो होगा वो कंसेप्ट क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो कि अभी तक यूज में ज्यादा नहीं आया, जिसकी हाइप अभी बननी शुरू हो रही है या लग रहा है इसके आने वाले वक्त में हाइप बन सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे NFTs, NFTs एक ऐसा दौर जो कि शायद क्रिप्टो के अंदर बहुत धमाल मचा दे, 2021 में मचा रहा है लेकिन 2022 में शायद उससे भी ज्यादा मचा दे। तो जिन प्रोजेक्ट्स के अंदर आज हम बात करते हैं कि जैसे हमने इकोमी की बात करी, हमने किट की बात करी, हमने और भी, हमने टेरा वर्चुआ की बात करी, हमने बहुत सारे और XRT की बात करी, हमने डिजिकॉल की बात करी, हमने NCD की बात करी, हमने बॉन्डली की बात करी, हमने CWS की बात करी, हमने बहुत सारे NFT प्रोजेक्ट चूज करे और सबने हमारे को भरपूर फायदा दिया फिलहाल। लेकिन आज शायद जो मैं फायदा बता रहा हूँ 2x, 3x, 4x, 5x, 2022 में शायद वो 50x हो, शायद वो 100x हो। तो हमारे को वो प्रोजेक्ट के ऊपर विजन क्लियर रख के कि हमारा टारगेट है $1,000 को $10,000 करना, तो हम एक ऐसा प्रोजेक्ट निकालेंगे जो कि रिस्की तो है लेकिन उसका फ्यूचर ब्राइट लग रहा है, उसका यूज केस बहुत सॉलिड लग रहा है, उसकी टीम पीछे बहुत अच्छी है, नया प्रोजेक्ट है मार्केट में, अभी फिलहाल ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं हुई है लेकिन ये प्रोजेक्ट ज्यादा एक्सेप्टेंस में आ गया तो ये मार्केट में हाहाकार मचा सकता है। मैं एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बात करूं आज की डेट में तो मैं मानता हूं NCT यानी कि नेम चेंजिंग टोकन आने वाले वक्त में, कह नहीं सकते ये टोकन ने अभी तक अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बहुत ज़्यादा 2x ही गया है मैक्सिमम, 3x गया है इनफैक्ट हमारी एंट्री से, लेकिन अगर मैं बात करूँ क्या NCT बहुत ज़्यादा धमाल मचा देगा ये नो वन नोज, लेकिन इसका जो कंसेप्ट है हमारी उस कैटेगरी के अंदर परफेक्ट बैठता है। एक ऐसी हाइप वाला प्रोजेक्ट, एक ऐसा कंसेप्ट जो कि मार्केट में अभी फुल्ली एक्सेप्टेंस नहीं आई है लेकिन अगर आ गई तो ये धमाल कर सकता है। तो ये कैन बी वन ऑफ दोज कंसेप्ट जो कि रिस्की है, टीम अच्छी है, कम्युनिटी सॉलिड है और लो कैप क्वाइन है और हमारे को अच्छा रिजल्ट दे सकता है। अब इतना कुछ तो हमने सीख लिया, अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है आज क्या हम इन कॉइन्स में एंट्री ले सकते हैं। पहली बात मैं आपको जो अगर मैंने NCD का एग्जांपल दिया है, ओशियन का एग्जांपल दिया, उन्हीं में मत एंट्री लेके बैठ जाना, इसको यूज करना, ये जो मंजिल है ना हमारे दिमाग की ये वाली, ये अगर हम यूज कर ले तो बहुत पैसा बन सकता है। तो आपको मैं कहूंगा आप खुद की स्टडी करना स्टार्ट करो, ऐसे प्रोजेक्ट्स निकालो जो कि इन क्राइटेरिया के अंदर सेट बैठते हैं और पैसा हमारे को बना के दे सकते हैं, और खुद की स्टडी करो, ऐसे ही नहीं जो मैंने कह दिया उस पर आंख बंद करके आपने उस पर लगा दिया और उसी के ऊपर बैठ गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अभी हमने कुछ दिन पहले अगर हमने हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया था हम पैसा लगा देंगे $250 सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर बिटकॉइन, इथेरियम, डॉट, लिंक या BNB के अंदर, मैं मानता हूं डॉट के ऊपर अगर हमारे को पैसा लगाना था डॉट था $40। अब हमारा जो मेजर एक और पॉइंट है जो कि लास्ट पॉइंट होगा इस वीडियो का, वो है हम वेट करेंगे एक मेजर डंप की, एक मेजर करेक्शन की अपने इस फंड की एंट्री लेने के लिए। डॉट $40 से सीधा आया $27।
ये एक परफेक्ट एंट्री थी, वो $250 जो मेरे को लगाने थे वो अब मैं अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर लगा सकता था, बिकॉज $27 से वो $40 होने में शायद ज़्यादा देर नहीं लगाएगा, और मतलब कि मेरा फंड ऑटोमेटिकली एक ही कुछ हफ्ते के अंदर शायद 50% बढ़ चुका होगा। तो दैट इज़ हाउ यू डू $1,000 टू $10,000, शायद इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में आपको लग जाए 1 महीना, 6 महीना या 3 साल भी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा फिजिबल है। अब आप में से कुछ लोग शायद कहेंगे, सर ये बातें करने में ईजी है, होता नहीं है ऐसा। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा, अगर आपका क्रिप्टो में ऐसा विश्वास है तो मेरे दोस्त क्रिप्टो शायद आपके लिए नहीं है। क्रिप्टो के अंदर अक्सर ऐसा होता आया है और अक्सर आगे भी ऐसा होता रहेगा, सिर्फ उन लोगों के साथ जो कि बिलीव करते हैं और अच्छी होल्डिंग पावर भी रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाना चाहूँगा इथेरियम। इथेरियम 2017 के अंदर जिन्होंने ब्लाइंड स्पॉट करके अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और बिलीव किया कि इथेरियम में मैं 3 साल पैसा नहीं निकालूंगा। इथेरियम की अगर मैं हिस्ट्री निकालूँ और हम देखें, 1 जनवरी 2017 को था $8.5 का, और आज है $1,700 का, $2,000 भी पार कर चुका है, $2,200 के करीब इसका ऑल टाइम हाई अब लग चुका है। सोच लेना कितना गुना हो गया पैसा जिस व्यक्ति ने ये डिसीजन इस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी को डिवाइड करके लगाया था, वो पैसा कहाँ तक पहुँच गया। अब आपको छोटा सा पॉइंट ऐड कर देता हूँ और वीडियो को करेंगे एंड उसके बाद। अब ये जो हमने स्ट्रेटजी अप्लाई करी है, इसमें हो सकता है बिटकॉइन वाला जो पैसा था, जो $250 का फर्स्ट वाला मनी था, जो डॉट में लगा है, बीएनबी में लगा है, या किसी और प्रोजेक्ट जो कि आपने अच्छा चूज किया उसमें लगा है, वो हो गया 5 गुना, यानी कि हमारे बन गए $1,250 इस प्रोजेक्ट के साथ, जो कि काफी तक सेफ इन्वेस्टमेंट थी आने वाले 3 साल के अंदर। हो सकता है वही 20 गुना हो जाए, वही 50 गुना हो जाए, लेकिन हम सेफ साइड स्लो साइड लेकर चल रहे हैं। दूसरा था हमारा वो प्रोजेक्ट जो कि ओशियन जैसे प्रोजेक्ट है जिनको अभी एक्सेप्टेंस तो मिल चुकी है, लेकिन अभी वो फुल्ली मार्केट के अंदर डेवलप्ड और वैसे नहीं बने जैसे कि डॉट का नाम हुआ है, बीएनबी का नाम हुआ है, वैसा प्रोजेक्ट हम चूज करेंगे। अगर वैसा प्रोजेक्ट, ओशियन जैसा प्रोजेक्ट यहाँ से हो जाता है 20x, तो हमने लगाए थे $500, वहाँ पे हम बना सकते हैं $10,000। तीसरा कंसेप्ट हमने लगाया $250 हमने लगाए थे एनसीडी जैसे प्रोजेक्ट में, जो कि अगर एनएफटी ने हजूम लाया और ऐसे ही किसी कंसेप्ट ने हजूम लाया और उसके अंदर हमने पैसा लगाया, वो पैसा 10, 20, 50 गुना भी अगर हो गया तो चौंकिएगा मत आने वाले 2, 3, 4 सालों के अंदर क्रिप्टो करेंसी के अंदर। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो के थ्रू जिन लोगों के पास शायद लो फंड्स है या जो लोग अपनी स्ट्रेटजी को ही डिसाइड नहीं कर पा रहे, उनको आज काफ़ी हेल्प मिलने वाली है और ये वीडियो उनको काफ़ी अच्छा पैसा कमा के देने वाली है आने वाले वक्त के अंदर क्रिप्टो करेंसी के अंदर। ये वीडियो पसंद आई हो तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे। टारगेट सेट करते हैं लगभग 3,000 से ज़्यादा लाइक्स का, अगर वो आप पहुँचाएंगे तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगेगा और मैं मोटिवेटेड रहूँगा आपके लिए और ऐसी वीडियोज़ को लेकर आते रहने के लिए जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव फन।